सीएम भूपेश बघेल द्वारा कर्मचारियों को दीपावली की दी गई सौगात में सर्वर रूपी ग्रहण लग चुका है, जिससे कर्मचारियों में बखलाहट की माहौल बन गया है। दरअसल ट्रेजरी का सर्वर बीते 24 घंटा से डाउन है। किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से तमाम विभागों का बिल अटक गए हैं, जिसकी वजह से भुगतान रुका हुआ है। सर्वर के डाउन से न केवल अधिकारियों की बल्कि कर्मचारियों की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि दिवाली का सीजन है। कर्मचारी संघ के नेता विजय झा ने बताया कि मंगलवार से सर्वर डाउन है और बिल का भुगतान नहीं हो रहा है। राजधानी का ये हाल है तो समझा जा सकता है कि बस्तर की क्या स्थिति है। वहां से लगातार कर्मचारी फोन कर रहे हैं कि काम बंद है। उन्होंने बताया कि यहां सर्वर चलता है, इसका कंट्रोल मंत्रालय से होता है। उन्हें ट्रेजरी और इस बिल से जुड़े तमाम बड़े अधिकारियों से अपील की कि जल्द से जल्द सर्वर को ठीक किया जाए, जिससे सभी कर्मचारी का भुगतान हो सके, उनकी भी दिवाली अच्छे से मन सके। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा के अनुरूप सातवें वेतनमान की एरियर और इस महीने का भुगतान होना था, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण बिल पेंडिंग है। दीपावली के अवसर पर इस माह के भुगतान में और सातवें वेतनमान के एरियर की आस में बैठे कर्मचारियों को भुगतान कब तक होता है, ये देखने वाली बात है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या